आई नो डेट यू नो स्मॉल मीन्स छोटा, और अपने इंडिया में जो छोटे बच्चे होते हैं ना उन्हें लोग इसके स्लैंग वर्ड का यूज़ करके ज़रूर बुलाते हैं। जैसे सुनना छोटू, ये शर्मा जी का घर किधर पड़ेगा, और छोटी क्या हाल है, ओ छोटकू इधर आ, क्यों छोटकी आज स्कूल नहीं गई, एंड सो ऑन। स्मॉल वर्ड का स्लैंग यूसेज है जो हम इंडियंस यूज करते हैं। इसी प्रकार स्मॉल या शॉर्ट के लिए एक जापानीज टर्म है चिबी। नाउ जापान में चिबी को किसी शॉर्ट पर्सन या एनिमल के लिए एक स्लैंग वर्ड के रूप में तो यूज किया ही जाता है, एंड उसके साथ साथ किसी मांगा या एनिमे के एक्स्ट्रा क्यूट वर्जन के लिए भी यूज किया जाता है, जिसमें किसी ओरिजिनल मांगा के कैरेक्टर को बड़े सिर के साथ डिजाइन करके चिल्ड्रन लाइक लुक दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अटैक ऑन टाइटन का चिबी वर्जन है अटैक ऑन टाइटन जूनियर हाई, नारुतो का चिबी वर्जन है नारुतो स्पिन ऑफ रॉकली एंड हिज निंजा पास एसेट्रा, एंड इसी तरह टीन टाइटन्स का चिबी वर्जन है टीन टाइटन्स गो। बट हे, टीन टाइटन्स एक एनीमे नहीं है बल्कि एक एनीमे इंस्पायर्ड अमेरिकन कार्टून है जिसके बारे में आज हम ए टू जेड सब कुछ जानने वाले हैं। तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। अमेरिका के रहने वाले रॉबर्ट जी हैनी का जन्म सन 1926 में हुआ, और वर्ल्ड वॉर टू में एज अ नेवी काम करने के बाद 1948 में उन्होंने कॉमिक बुक इंडस्ट्री में एंट्री ली, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू में अपनी आंखों से रियल लाइफ के वॉर को बहुत नजदीक से देखा था। इसीलिए इनके द्वारा लिखी गई ऑलमोस्ट सभी कॉमिक्स क्राइम या फिर वॉर पर बेस्ड होती थी, एंड इसी जॉनरा पर आधारित साल 1964 में उन्होंने ब्रूनो प्रीमियानी के साथ मिलकर डीसी कॉमिक्स के लिए टीन टाइटन्स नाम की एक कॉमिक सीरीज बनाई, जिसे डीसी कॉमिक्स के द्वारा पब्लिश की जाने वाली एक कॉमिक बुक सीरीज ब्रेव एंड द बोल्ड के 54th इशू में फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था। अब देखो, डीसी वालों ने अपना एक अलग ही यूनिवर्स बना रखा है जिसमें वो सभी फिक्शनल कैरेक्टर्स को लेके एक स्टोरी बनाकर अपने कॉमिक बुक्स में पब्लिश करते हैं। मतलब उन्होंने उन सभी कैरेक्टर्स को डीसी के नाम पर ट्रेडमार्क करा रखा है, विच मीन्स कि डीसी कॉमिक्स के जो राइटर्स हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। आज यदि टीन टाइटन्स की स्टोरीज कोई राइटर ए लिख रहा है, तो फ्यूचर में टीन टाइटन्स की स्टोरी कोई दूसरा राइटर बी लिख रहा होगा। एंड टीन टाइटन्स की जब शुरुआत हुई थी तब वो एक टीम तो थी, पर ये वाली टीम नहीं थी जिसमें बीस्ट बॉय, रॉबिन, साइबर्ग, रेवन एंड स्टारफायर होते हैं, बल्कि इस टीम में डिफरेंट कैरेक्टर हुआ करते थे विद डिफरेंट कैरेक्टर डिजाइन। द बिगिनिंग ऑफ टीन टाइटन्स एज अ कॉमिक सीरीज। जैसे कि टीन टाइटन्स टाइटल से ही पता चल रहा है कि इसमें एक ऐसी टीनेजर्स की टीम है जो विलन से लड़ती है, एंड इस टीम को कई बार चेंज करके डीसी कॉमिक्स में मंथली बेसिस पर पब्लिश किया गया था। 1964 में जब इसे फर्स्ट टाइम ब्रेव एंड द बोल्ड के 54th इशू में पब्लिश किया गया था, तब इस सीरीज का टाइटल कुछ भी नहीं रखा गया था, एंड जब इसकी सेकंड स्टोरी ब्रेव एंड द बोल्ड के 60th इशू में पब्लिश की गई, तब इस सीरीज का टाइटल टीन टाइटन्स रखा गया। टीन टाइटन्स की सबसे पहली टीम में सिर्फ तीन मेंबर्स ही थे, रॉबिन, किड फ्लैश एंड एक्वालैड, जो कि टीन टाइटन्स के फर्स्ट इशू में एक वेदर को कंट्रोल करने वाले विलन मिस्टर ट्विस्टर को हराने के लिए टीम बनाकर उसे लड़ते हैं। एक फन फैक्ट ये है कि बाद में वंडर वुमन की छोटी बहन वंडर गर्ल ने भी इस टीम को ज्वाइन किया था, और रियल फैक्ट यह है कि वंडर गर्ल ही आगे चलकर वंडर वुमन बनने वाली थी, बट इससे वंडर वुमन के ओरिजिन स्टोरी में कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए डीसी ने वंडर गर्ल को एक अलग कैरेक्टर बनाकर उसका नाम डोना ट्रॉय रख दिया, जो कि टीन टाइटन्स के सेकंड इशू में एज अ फोर्थ मेंबर अपीयर होती है। वैसे कॉमिक बुक के कवर पर ये वंडर गर्ल कम और भूतिया गर्ल ज्यादा लग रही है। एनीवे, इस तरह टीन टाइटन्स की शुरुआत हुई, और 1966 में टीन टाइटन्स के ऊपर डेडिकेटेड कॉमिक बुक बनाया गया। ऑब्वियसली तब इस टीम में रॉबिन, वंडर गर्ल, एक्वालैड एंड किड फ्लैश शामिल थे। नाउ सीधे आते हैं टीन टाइटन्स के इशू 22 में। इस इशू में वंडर गर्ल के ओरिजिन को क्लियरली बताया गया, एंड वंडर गर्ल को न्यू कॉस्ट्यूम में भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिस कॉस्ट्यूम के साथ वंडर गर्ल को ज्यादातर लोग आज के समय में जानते हैं। टाइम बीतने के साथ साथ टीन टाइटन्स में टोटल 6 मेंबर्स हो चुके थे, जिससे टाइटन्स की टीम और ज्यादा एक्सपेंड होती गई, एंड 1974 में 43th इशू के बाद टीन टाइटन्स के कॉमिक बुक सीरीज को बनाना बंद कर दिया गया। टीन टाइटन्स 1970s रिवाइवल। 1976 में टीन टाइटन्स के 44th इशू को पब्लिश करके इसे पुनर्जीवित किया गया, परंतु 1978 में 53th इशू के बाद इसे दोबारा से कैंसिल कर दिया गया, एंड इसके बाद 1980 में आया न्यू टीन टाइटन्स। या डीसी ने दोबारा से एक नई टाइटन्स की टीम को इंट्रोड्यूस किया। ऑब्वियसली इसके राइटर्स चेंज हो चुके थे, जिन्होंने बीस्ट बॉय, साइबर्ग, स्टारफायर एंड रेवन को टीम में एज अ न्यू मेंबर्स इंट्रोड्यूस किया। एंड राइट, यही टीम तो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई है। 1980 से 1996 के बीच इस टीम को लेकर न्यू टीन टाइटन्स के बहुत सारे इश्यूज एंड वॉल्यूम्स को पब्लिश किया गया, एंड इसी बीच इस सीरीज का नाम न्यू टीन टाइटन्स से बदलकर सिर्फ न्यू टाइटन्स रख दिया गया। काहे कि स्टोरी के अंदर सभी कैरेक्टर्स की एज 20+ हो चुकी थी, जिसका मतलब
कि वो अब टीनेजर्स नहीं रहे, जिसके कारण डीसी ने इस सीरीज का नाम सिर्फ न्यू टाइटंस रख दिया। टीन टाइटंस वॉल्यूम 2। 1996 से 1998 के दौरान दोबारा से वही पुराने वाले टाइटल जिसे 1978 में कैंसिल कर दिया गया था ना, उसी टीन टाइटंस का सेकंड वॉल्यूम मंथली बेसिस पर पब्लिश किया गया। एंड यस, 1999 में फिर से एक नई टीम इंट्रोड्यूस की गई जिसमें नाइटविंग, एर्सेनल, टेम्पेस्ट, फ्लैश, स्टारफायर, साइबर्ग एसेट्रा मेंबर्स इंक्लूडेड थे। एंड ये वाली सीरीज एक डिफरेंट स्टोरी के साथ टीन टाइटंस की एज अ डिफरेंट सीरीज पब्लिश की गई। टीन टाइटंस वॉल्यूम 3। वेल 2003 में टीन टाइटंस पर बेस्ड एक न्यू कार्टून सीरीज कार्टून नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट किया जाने लगा और इस कार्टून सीरीज का नाम टीन टाइटंस ही रखा गया था, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे जानेंगे। फिलहाल तो ये जान लो कि इसी कार्टून शो के कारण साल 2003 में टीन टाइटंस के कॉमिक बुक सीरीज का थर्ड वॉल्यूम भी पब्लिश किया जाने लगा। मतलब ये टीन टाइटंस का तीसरा पुनर्जन्म था, जिसे साल 2011 तक पब्लिश किया गया। द न्यू 52। टाइटंस के नाम से जो न्यू सीरीज बनी थी ना, उसी का वॉल्यूम 2 भी 2008 से 2011 के बीच पब्लिश किया गया। उसके बाद 2011 से 2016 तक डीसी ने टीन टाइटंस के पुराने इश्यूज को दोबारा से पब्लिश करना शुरू कर दिया। शायद राइटर्स की कमी पड़ गई होगी, ऐसा मुझे पहले लगा था, बट एक्चुअल में हुआ ये था कि 2011 में द न्यू 52 नाम से डीसी ने एक न्यू बुक सीरीज लॉन्च की, जिसमें उन्होंने अपने पब्लिशिंग फॉर्मेट्स में कुछ बदलाव लाया। जैसे जिस दिन फिजिकल बुक मार्केट में पब्लिश की जाती थी, उसी दिन वो उसे डिजिटल कॉमिक्स के रूप में भी इंटरनेट पर पब्लिश करने लगे। डीसी यूनिवर्स के सभी कैरेक्टर्स को और ज्यादा मॉडर्न लुक देकर रीडिजाइन किया गया एंड लगभग 25 नए टाइटल्स को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि ऑनगोइंग मंथली सीरीज की गिनती टोटल 52 हो जाए। एंड उसके बाद साल 2011 में उन्होंने द न्यू 52 के फर्स्ट कॉमिक बुक को फ्री प्रीव्यू के रूप में मार्केट में लॉन्च कर दिया। मतलब डीसी बुक रीडर्स के तो मजे ही मजे, दुकान जाओ, बुक उठाओ और घर आ जाओ, वाह लाइफ हो तो ऐसी। इन कंक्लूजन, डीसी ने सभी पुराने टाइटल्स के न्यू इश्यूज बनाने बंद कर दिए थे, क्योंकि वो सभी पुराने टाइटल्स को ही स्टार्टिंग से रीडिजाइन करके दोबारा से उनके पुराने इश्यूज को ही रिलीज करने लगे थे। एंड यही सेम चीज टीन टाइटंस के साथ भी हुई। टीन टाइटंस के पुराने इश्यूज को ही डीसी ने नए फॉर्मेट में पब्लिश करना शुरू कर दिया था। वेल 2016 तक डीसी ने द न्यू 52 बुक सीरीज को चलाया और उसके बाद सभी पुराने टाइटल्स के नए इश्यूज बनाने दोबारा से शुरू कर दिए। डीसी द रीबर्थ। साल 2016 में डीसी ने द न्यू 52 सीरीज को बंद कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सभी पुराने टाइटल्स इंक्लूडिंग टीन टाइटंस के नए इश्यूज पब्लिश करना शुरू कर दिया। अब की बार टीन टाइटंस के इन दोनों सीरीज के न्यू इश्यूज एक साथ पब्लिश किए गए। पहली टीम में ये कैरेक्टर शामिल थे और दूसरी टीम में ये सभी। इन दोनों सीरीज को 2020 में बंद कर दिया गया था एंड मार्च 2021 से टीन टाइटंस अकेडमी के नाम से एक न्यू बुक सीरीज मंथली बेसिस पर पब्लिश की जा रही है। इंडिया, दिस इज आवर टीन टाइटंस हिस्ट्री वॉज। टीन टाइटंस द कार्टून सीरीज। टीन टाइटंस की ओरिजिनल टीम का फर्स्ट एनिमेटेड अपीयरेंस एक टीवी सीरीज द सुपरमैन एक्वामैन आर ऑफ एडवेंचर में साल 1967 में एज अ कैमियो दिखाया गया था। एंड उसके बाद सीधे 2003 में कार्टून नेटवर्क ने टीन टाइटंस के एनिमेटेड सीरीज को अपने चैनल पर लॉन्च कर दिया। एंड यप, इस एनिमेटेड सीरीज के कारण ही टीन टाइटंस इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई है, वरना उससे पहले तो डीसी कॉमिक्स के रीडर्स को छोड़कर किसी को भी इस कॉमिक से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आज देखो, ये वर्ल्ड वाइड कई लोगों के बचपन का एक स्पेशल बन चुका है। मजे की बात तो यह है कि टीन टाइटंस के ओरिजिनल एनिमेटेड सीरीज से भी ज्यादा पॉपुलैरिटी तो इसे इसके चिबी वर्जन टीन टाइटंस गो ने दिलाई है। ग्लेन मुराकामी एक अमेरिकन एनिमेटर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने बैटमैन बियॉन्ड, टीन टाइटंस, टीन टाइटंस गो, बेन 10, एलियन फोर्स एंड बेन 10 अल्टीमेट एलियन जैसे कई और पॉपुलर कार्टून सीरीज पर काम किया है। असल में मुराकामी ने अपने लाइफ का एक ही गोल सेट कर रखा था, जो कि था कॉमिक बुक आर्टिस्ट बनना। लेकिन सिर्फ एक इंसिडेंस के कारण उनका ये गोल 360 डिग्री रोटेट हो गया। मुराकामी के एक हाई स्कूल फ्रेंड कीथ वीजनर को वार्नर ब्रोस एनिमेशन कंपनी में बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज के लिए बैकग्राउंड आर्टिस्ट का जॉब मिल गया था। तो जब वार्नर ब्रोस ने कुछ आर्टिस्ट की हायरिंग शुरू की, तब कीथ वीजनर ने मुराकामी को तुरंत उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया, जिसके बाद मुराकामी वार्नर ब्रोस एनिमेशन कंपनी में आर्टिस्ट की जॉब के लिए चले गए, जहां उनसे स्टोरी बोर्ड टेस्ट लिया गया, जिस टेस्ट में वो फेल हो गए। सो सैड, राइट? बट मुराकामी के ड्राइंग टैलेंट को अनदेखा ना करते हुए वार्नर ब्रोस ने मुराकामी को जॉब पर रख लिया। एंड हियर स्टार्ट्स द अमेजिंग जर्नी ऑफ ग्लेन मुराकामी इन एनिमेशन फील्ड। ब्रूस टिम, जो कि एक अमेरिकन आर्टिस्ट, कैरेक्टर डिजाइनर, एनिमेटर, राइटर, प्रोड्यूसर एंड वॉइस एक्टर हैं, उनके साथ मिलकर मुराकामी ने बहुत से प्रोजेक्ट्स पर काम किया। कुछ सालों बाद वार्नर ब्रोस कंपनी में ही मुराकामी को बैटमैन बियॉन्ड के लिए प्रोड्यूसर के पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया एंड साल
2001 में उन्हें बैटमैन बियॉन्ड पर काम करने के लिए एमी अवार्ड से नवाजा गया। एंड अब आया साल 2002 जब मुराकामी ने अपने फ्रेंड एंड मेंटोर ब्रूस टीम के बिना किसी हेल्प के खुद से एक सीरीज बनाई टीन टाइटन्स। टीन टाइटन्स को प्रोड्यूस करने के साथ साथ वो इसके कैरेक्टर डिजाइनर भी थे। उन्होंने इसके कैरेक्टर डिजाइन को एक बहुत अनयूजुअल स्टाइल में बनाया था जैसा कोई भी अमेरिकन आर्टिस्ट नहीं बनाता है, और इसी के कारण बाकी सभी डीसी कॉमिक्स से बनी एनिमेटेड सीरीज से टीन टाइटन्स कुछ हटकर ही बना। और एक और मजे की बात यह है कि वो अनयूजुअल स्टाइल जापानीज एनिमेशन का था। यप, उन्होंने कार्टून प्लस एनिमे दोनों को मिक्स करके टीन टाइटन्स के एनिमेटेड सीरीज को बनाया था, जिसके कारण इस शो के स्टाइल को मुराकानी में या अमेरिकानी में कहा जाता है। 2003 में टीन टाइटन्स के एनिमेटेड सीरीज को कार्टून नेटवर्क पर रिलीज कर दिया गया, जिसमें टोटल 5 सीजन्स बनाए गए। यहाँ एक फन फैक्ट सुनो, टीन टाइटन्स के प्रोड्यूसर तो ग्लेन मुराकामी थे, बट इनके अलावा इनके टीम में बहुत सारे लोग थे, जिनमें से सीरो नीली टीन टाइटन्स के सीजन 1 एंड सीजन 2 के लिए डायरेक्टर के पोस्ट पर थे। और टीन टाइटन्स से प्रभावित होकर उन्होंने खुद से एक कार्टून सीरीज सुपर रोबोट मंकी टीम हाइपर फोर्स गो बनाया, जिसे साल 2004 में कार्टून नेटवर्क पर रिलीज किया गया। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, सो यू कैन वॉच इट फ्रॉम आई बटन। साल 2005 में टीन टाइटन्स का 65वां यानी सीजन 5 का लास्ट एपिसोड यूएस टीवी पर एयर किया गया, एंड उसके बाद साल 2014 तक इसके पांचों सीजन्स को काफी बार कार्टून नेटवर्क के सिस्टर चैनल बूमरैंग पर रीटेलीकास्ट किया गया। टीन टाइटन्स गो। साल 2013 में डीसी एंड वार्नर ब्रोस ने मिलकर टीन टाइटन्स गो को बनाया था। देखो, ओरिजिनल टीन टाइटन्स की स्टोरीज में कॉमेडी तो होता था, बट उतना नहीं जितना टीन टाइटन्स गो में दिखाया जाता है। एंड टीन टाइटन्स गो की स्टोरी लाइन का टीन टाइटन्स के ओरिजिनल सीरीज से कोई रिलेशन नहीं है। टीन टाइटन्स गो की स्टोरीज एकदम अलग, सुपर हीरो कम कॉमेडी से ज्यादा भरी पड़ी है, जिसके कारण छोटे बच्चे समेत टीनेजर्स के बीच ये शो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। वेल, मैंने आपको टीन टाइटन्स के कॉमिक बुक्स, ओरिजिनल सीरीज एंड स्पिन ऑफ सीरीज, किसी के भी प्लॉट और स्टोरी आर्क्स नहीं बताए हैं, क्योंकि वो आप खुद भी पढ़ और देख सकते हो। बट एक चीज जो मैं मेंशन करना चाहूंगा वो ये कि टीन टाइटन्स गो के एपिसोड्स में भर भर के कैमियोस एंड क्रॉसओवर्स दिखाए गए हैं, जैसे टीनेज म्यूटेंट निंजा, पावरपफ गर्ल्स, माय लिटिल पोनी, यहाँ तक कि ओरिजिनल टीन टाइटन्स के साथ भी इनका क्रॉसओवर हुआ है। 2013 से लेकर आज तक इसके टोटल 7 सीजन्स बन चुके हैं, जिसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। कितना बुरा हुआ, टीन टाइटन्स के ओरिजिनल सीरीज से भी ज्यादा पॉपुलैरिटी उसे उसके स्पिन ऑफ सीरीज को मिल गया, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए था। जेल में घुसना, प्लैटनेस को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना, मेरे ख्याल से ये सारा प्लान बनाना सिंडर ब्लॉक के बस की बात नहीं है। मेरा सोचना भी कुछ ऐसा ही है। कोई उसे अपने इशारों पर नचा रहा है, पर कौन? वो जो कोई भी है, तीन टाइटन के आगे कुछ भी नहीं। क्या बात कही है? ये है ओरिजिनल टीन टाइटन्स हिंदी में। एक टाइम था जब ये इंडिया में भी कार्टून नेटवर्क पर आया करता था। लिटरली मैंने जब ओरिजिनल टीन टाइटन्स को हिंदी में देखा ना, तो मुझे तो भाई बेंटन वाले वाइब्स आने लगे थे। आई डोंट नो कि इंडिया में इसे कब से कब तक दिखाया गया, क्योंकि मुझे कहीं भी सोर्सेस नहीं मिले हैं। टीन टाइटन्स के बाद 9 मार्च 2015 से टीन टाइटन्स गो को भी कार्टून नेटवर्क इंडिया पर हिंदी में डब करके ब्रॉडकास्ट किया गया, जिसे इंडियन किड्स ने काफी पसंद भी किया। बट साल 2019 में कार्टून नेटवर्क इंडिया ने इसे ब्रॉडकास्ट करना बंद कर दिया। रीजन तो सिर्फ दो ही हो सकते हैं। फर्स्ट इज अ लॉट ऑफ एक्सप्लिसिट सीन्स एंड बैड बिहेवियर शोन इन द एपिसोड्स, एंड सेकंड लोकलाइजेशन ऑफ इंडियन किड्स चैनल, जो कि मैं कई बार अपने वीडियोस में समझा चुका हूँ कि कैसे इंडियन किड्स चैनल सिर्फ अपने इंडिया के बने लोकल शोज को ही अपने चैनल पर दिखाना चाहती है। एंड एक तीसरा जो रियल रीजन है वो तो कार्टून नेटवर्क इंडिया को ही पता है। टीन टाइटन्स गो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर तो हो गया, बट टीन टाइटन्स के ओरिजिनल सीरीज के फैन से टीन टाइटन्स गो को सिर्फ और सिर्फ हेट ही मिला, एंड उनका हेट करना भी जायज है। फॉर एग्जाम्पल, बेंटेन रीबूट को भला कौन सा बेंटेन एलियन फोर्स का फैन हेट नहीं देगा? भाई इतने धांसू शो को तुम 5 साल के बच्चों का शो बना दोगे तो मतलब आगे समझ जाओ। वेल, ये थे टीन टाइटन्स के पूरे 65 साल एक नजर में। यदि आपको अभी तक नहीं पता तो बता दूं कि रिसेंटली मैंने एनिमेशन वाइब्स का डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया है। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। एंड इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी animation_vibes पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। प्लस इन दोनों वीडियोस को भी जरूर देखना इफ यू आर न्यू टू माई चैनल।